बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान साहब के बिग बॉस शो की। ऐसा शो में भोजपुरी इंडस्ट्री से भी लगातार लिए जा रहे हैं और अभी गिनती चालू है। अंजना सिंह को मौका मिले तो जाना चाहेंगी, और जाना भी चाहेंगी तो क्या कुछ खास रहेगा? मुझे झेल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है मुझे झेल नहीं पाएंगे। या तो पहले ही दिन भगा देंगे इसलिए वो बुलाते नहीं हैं, या तो बुलाने के बाद मुझे झेल नहीं पाएंगे, जो भी मैटर है। बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और बिल्कुल मौका मिलेगा तो जाएंगे। रही बात बिग बॉस की, तो हमेशा मेरे बारे में न्यूज़ वायरल होती है, इस बार भी बहुत हुई है। मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ ये तो उसी दिन पता चलेगा जब बिग बॉस शुरू होगा। मतलब चांसेस हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते। बिग बॉस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्योंकि पहले बात, प्लेटफॉर्म वो एक ऐसा है कि वहाँ पे वैसे बहुत टफ है, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत सिंपल हूँ, झगड़ा वगड़ा मुझे आता नहीं है, तो अगर मैं वहाँ पे गई भी तो चलेगा पता आगे, हे भगवान हे भगवान। बट ठीक है, बट स्टेज बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात है बिग बॉस की, तो मैं ऑफ कोर्स देखती हूँ और देखती आई हूँ अभी तक, तो आई लाइक इट। बिग बॉस को लेकर एक्चुअली ना मुझे थोड़ा डर लगता है इतने सारे कैमरास, और कभी ऐसा लगता है कि 3 महीने ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर फ़ोन नहीं हो, जहाँ हम अपने घर वालों से मिल नहीं सकते, उनकी शक्लें नहीं देख सकते, तो थोड़ा तो लगता है डर। लेकिन फिर भी चलो, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहूँगी। मौका मिला तो फिर क्या करूँगी, जाना चाहूँगी, बिल्कुल जाना चाहूँगी। और एक चीज़ मेरे बचपन में ही मेरे पापा ने मेरे बारे में बोली थी कि इतना तो पता है कि ये जहाँ जाएगी वहाँ जीत कर आएगी। क्योंकि आप जाना चाहेंगे ये बताइए। एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, और मैं 24 घंटा पब्लिक से कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मेरा जो, मैं मर जाऊँगा, मुझे कोई अकेले बंद कमरे में बंद कर देना तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, घुटन सी होती है, क्योंकि मैं 24 घंटा पब्लिक से कनेक्ट रहता हूँ। और अब वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं जानता। लेकिन मैं अगर जाऊँगा तो कुछ अलग ही करके आऊँगा, ये तो मैं भी जानता हूँ और मेरी पब्लिक भी जानती है कि मैं डिफरेंट नजर आऊंगा अगर बिग बॉस में जाऊं भी, क्योंकि मैं कोशिश नहीं किया। और कई जगह से बोला भी गया था कि नहीं आपको ये करना है, वो करना है, ये जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैं जो पब्लिक से आज कनेक्ट हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद उनके दुख के बारे में, पब्लिक के दुख के बारे में पता नहीं चलेगा, वो मुझसे क्या चाहते हैं वो पता नहीं चल पाएगा। तो मैं शुरू से पब्लिक से कनेक्ट हूँ, इसलिए थोड़ा सा बाकी जगह सीक्रेट जगह पे जाने में मुझे प्रॉब्लम सी होती है। मैं अपने जीवन में कभी घूमने तक नहीं गया, और मुझे अजीब सा लगता है कि नहीं यार, मैं घूमूंगा तो मैं पब्लिक का मनोरंजन कब करूंगा। मैंने अपने जीवन में कभी इंजॉय नहीं की। इंजॉय का मतलब कि कहीं घूमना, अकेले यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना। जीवन में एक खुशी जो होती है कि अकेला, कोई अकेला महसूस करना चाहता है, लेकिन मुझे अकेला महसूस करने में मज़ा नहीं आता। मुझे भीड़ में मज़ा आता है, जिस भीड़ को देखने के लिए मैं तरसा हूँ।